गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और मैं भी अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद कर सकती हूँ। और हम सबको बहुत सारी पॉजिटिविटी की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन विच इज़ गोइंग ऑन करेंटली। एंड मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पॉजिटिव ब्लॉग्स ही लेके आऊँ। इस समय मैं काफ़ी दिन बाद कोई ब्लॉग लाई हूँ, उसके लिए आपसे सॉरी मांगती हूँ, क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। और आपको मैंने बताया भी था, मैं काफ़ी लंबा घूम के आई, कच्छ वगैरह यहाँ से लेके कच्छ तक की जर्नी, रोड जर्नी करी, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और कुछ डॉक्टर्स को भी दिखाना था मुझे, तो वो सब दिखा विखा के आई हूँ। और फाइनली मैंने होम्योपैथी शुरू किया है, एलोपैथिक डॉक्टर्स को ट्राई कर कर के। और वही बात है कि हमारी हिंदुस्तानी दवाइयों में बहुत दम है, चाहे हम आयुर्वेदिक की बात करें चाहे हम होम्योपैथिक की बात करें, सब में बहुत दम है। तो मैंने वही शुरू किया है और मुझे काफ़ी फ़ायदा है, और आशा करती हूँ आगे भी फ़ायदा होता रहेगा। और आपकी प्रेयर्स में बहुत दम है, तो जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ढेर सारी लाइक्स दें वीडियोस को। तो मैं आज कुछ अलग बातें करने वाली हूँ आपसे, और काफ़ी घूम के आई हूँ, वो तो बहुत ही अच्छी बात रही। अब आकर के फिर बॉम्बे में सिचुएशन ऐसी हो गई है, और आप लोग पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, के बाद एक एक्ट्रेस भी बीमार पड़ते चले जा रहे हैं, क्रू भी बीमार पड़ता जा रहा है। और मुझे बहुत दुख लग रहा है इस बात का कि एक्ट्रेस को तो VIP ट्रीटमेंट मिल जाएगा, बट बेचारे ये जो हमारे क्रू हैं, जो हमारे भैया लोग हैं, जो हमारे वेजेस वाले लोग हैं, इनको तो बेड पे एक जगह भी ना मिलेगी एडमिट होने की। तो इनका क्या होगा, इनको कौन देख रहा है, इनकी केयर कौन ले रहा है? तो क्या इसका, मैंने आज अपने फेसबुक पे बहुत बड़ा ब्लॉग इससे रिलेटेड डाला है कि क्या ज़रूरत नहीं लगती कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन किया जाए अब, या तो एटलीस्ट फ्लैग मार्च की ज़रूरत है, ताकि लोगों को साइकोलॉजिकल एक फियर आए कि नहीं, एपिडेमिक का मतलब क्या हो सकता है और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। ख़तरनाक क्या हो सकता है, अब तो ये ख़तरनाक हो चुका है, बहुत ख़तरनाक हो चुका है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम इतनी अवेयरनेस अपने अंदर पालें कि हमको पता रहे कि भाई ये सिचुएशन किस मोड़ तक जा सकती है। और ऑलरेडी जा चुकी है, ऑलरेडी 1,00,000 केस आ रहे हैं, हमने अभी भी नहीं सीखा तो हम अब कब सीखेंगे, है ना? और मुझे बात करनी है अपने नए प्रोजेक्ट की, जो मैं आजकल राइट कर रही हूँ, शुभम से शौर्य तक। जैसे कि आप लोग को पता है, वो आर्मी रिलेटेड प्री कारगिल स्टोरी पे है, बहुत कहानी जो है बहुत ही इमोशनल और इंस्पायरिंग है। और मतलब मैं उसको जब लिख रही हूँ और बहुत सारा रिसर्च वर्क कर रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो सामने नहीं आई, शायद आप लोगों को भी नहीं पता है। हमको पता है क्योंकि हम लोग, आप उसको पढ़ेंगे भी तो आप 18 गढ़वाल करके काफ़ी मेंशन किया गया है। वो हमारी यूनिट थी जिसमें मेरे हस्बैंड ने सर्व किया था, काफ़ी लोगों को हमने लूज़ किया था उसमें, और मैं उन पलों को याद भी नहीं करना चाहती। पर मैं जब लिख रही हूँ, क्योंकि ये मेरा मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मुझे, ताकि मैं इस प्रोजेक्ट को सामने ला पाऊँ, सबके सामने ला पाऊँ, है ना, लोगों को बता पाऊँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। मतलब ये जो LOC कारगिल ने भी जस्टिफिकेशन नहीं किया इस प्रोजेक्ट का, और मैं आपको शायद आइडिया नहीं कि ये सबसे टफ लड़ाई थी, वॉर थी जो इंडिया ने लड़ी थी, आज तक की सबसे टफ वॉर, जिसमें आपको पता ही नहीं कि आपका एनिमी कौन है, जिसमें आपको पता ही नहीं आपका एनिमी कहाँ बैठा है, जिसमें आपको पता ही नहीं आपको एक्चुअली करना क्या है। देर वॉज नो स्ट्रेटजी, देर वॉज नो एक्सपीरियंस। इवन जो हमारे मैप्स थे वो उनकी फ़ोटोकॉपी मिली थी,
लोगों के हाथ में, वो बस ऑर्डर से ही मिलते थे कि सुबह तक जाओ और इसको कैप्चर करके लाओ। आप सोचिए ये वॉर कैसे लड़ी गई होगी। मेरे हाथ कांप रहे हैं, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं बंद करती हूँ और मैं अगली बार आपको और इससे रिलेटेड कहानी सुनाऊंगी, बातें बताऊंगी। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और ब्लॉग को यहीं बंद करते हैं। टाटा बाय बाय।